Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. 6th class, let's open your maths book. Today our lecture number 4 is exercise 2b, question number 9. In the following pairs of sets, discover the relation between A and B and write your result symbolically. Ab set A or B given hai, uske darmiyan aapne jo relation hai, wo aapne answers mein batana hai kya relation hai. Firstly, note down the question on your notebook. See the part 1, A is equals to 1, 2, 3, 4 and up to so on. This is infinite set of natural numbers and B is equals to 1, 2, 3, 4. These are also natural number but up to 4. अब देखें, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक सबसेट होता है. सबसेट क्या है? जो एक बड़े सेट में से छोटा सा हिस्सा अलग किया जाता है या उसके कुछ एलिमेंट्स को लिखा जाता है, वो सेट दूसरे जो लॉन्ग सेट होता है उसका सबसेट होता है, उसका छोटा पार्ट होता है. अब जैसे ये देखें, इसके अंदर अप टू सो वन है, सारी काउंटिंग है, वन से लेके सारी काउंटिंग इसमें शामिल है. और बी सेट के अंदर देखें, वन टू थ्री फोर, जस्ट फोर एलिमेंट्स हैं जो कि आप काउंट कर सकते हैं और इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं जो कि इनफाइनाइट हैं. तो ये देखें, ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर से ही निकले ना, इसका छोटा सा हिस्सा इसके ए सेट के अंदर से ही अलग किया जा रहा है. तो इट मींस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी जो है वो छोटा हिस्सा है ए का. तो आप यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी जो है ए का स्मॉलर पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है. इसको आपने इंग्लिश में लिखा है और इसको आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए. सबसेट ऑफ ए. नेक्स्ट सी द क्वेश्चन पार्ट 2. A is equals to A, E, U and B is equals to set consisting of the vowels of English alphabets. A set के अंदर क्या elements हैं? A, E and U, just three elements हैं. और B set के अंदर क्या है? Set of vowels. और set of vowels कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U, five vowels हैं English alphabets के. But A set के अंदर सिर्फ three लिखे हुए हैं, A, E, U. तो इसका मतलब ए जो है वो बी सेट के का छोटा हिस्सा है या सबसेट है उसका, क्योंकि बी के अंदर क्या है? फाइव एलिमेंट्स विच आर वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू. तो आपने ए के उसके सिर्फ थ्री एलिमेंट्स बी के जो ए में शामिल हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको. तो इट मींस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. ठीक, ए जो है स्मॉलर पार्ट ऑफ बी है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. सबसेट आपको याद हो तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं. प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि उसमें जिसमें किसी एक सेट के दूसरे सेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते. नाउ लेट्स सी द पार्ट 3. ए इज इक्वल्स टू पी ए आर एंड बी इज इक्वल्स टू आर पी ए. अब ये देखें, सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं? पी ए आर एंड बी इज इक्वल्स टू आर पी ए. तो आप ये देखें, पी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ए भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है और आर भी दोनों में, सेम सेम है. और आपको याद हो तो जब एलिमेंट्स सेम सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं इक्वल सेट. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स याद हो तो इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के सेम होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता या एक जैसे होते हैं. और इक्विवेलेंट सेट वो था जिसके एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है. इक्वल में एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे पी ए आर, और इधर भी पी ए आर दोनों में है. और इक्विवेलेंट सेट वो था जिसकी तादाद सेम होती है. तो आपको नज़र आ रहा हो तो ये सेट इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, लेकिन अभी ज़्यादा इक्वल को मेंशन किया जा रहा है. तो आप इधर लिख सकते हैं, ए सेट इक्वल बी सेट. डन. नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर 10. इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, इंडिकेट विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. अब आपने ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं. लेट्स सी द पार्ट 1. ए बिलोंग्स टू एक्स,
आपको साइन याद हो तो ए बिलोंग्स टू एक्स, आपको मैंने बताया था इसकी लेफ्ट बिलोंग्स टू के साइन के लेफ्ट साइड पर एलिमेंट आता है और राइट साइड पर सेट का नाम आता है। तो ये देखें क्या ये कंडीशन ट्रू है, आपका सेट क्या है एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी और फर्स्ट क्या है आपके पार्ट ए बिलोंग्स टू एक्स, तो ए बिलोंग्स टू का क्या है ए मेंबर है एक्स का, तो इट मीन्स दिस इज दिस कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट नाउ सी दी पार्ट टू, ए इस साइन का नाम था प्रॉपर सबसेट, जो लाइन के बगैर होता है उसका नाम है प्रॉपर सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। तो आपको याद हो के जब प्रॉपर सबसेट या सबसेट की बात की जाती है तो उसमें दोनों साइड पर सेट ही आता है, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर एक साइड पर एलिमेंट है विच इज़ ए और दूसरी साइड पे सेट है। तो इट मीन्स दिस सिचुएशन इज़ आल्सो फॉल्स बिकॉज इसकी वन साइड पर एलिमेंट और दूसरी साइड पर सेट है, तो इसलिए ये तो इसके इस सिचुएशन में तो ये साइन यूज़ हो ही नहीं सकता। नाउ सी दी पार्ट थ्री, इसमें प्रॉपर सबसेट का साइन अपोजिट साइड पर है तो इसको आप पढ़ेंगे भी अपोजिट साइड पर, मतलब एक्स इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो आपको पता है बी कोई सेट नहीं है, बी इज़ जस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, तो इट मीन्स दिस इज़ आल्सो फॉल्स बिकॉज दिस सेट इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर दिस सिचुएशन। इसमें भी सेम यही सिचुएशन है कि एक साइड पर एलिमेंट है और दूसरी साइड पर सेट है, तो ये कंडीशन बी फॉल्स ही आएगी। नेक्स्ट देखें, बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, बी क्या है एक्स का सबसेट है, दिस इज़ आल्सो फॉल्स बिकॉज बी इज़ नॉट अ सेट, दिस इज़ एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, तो इसको भी आप फॉल्स लगाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सबसेट के साइन के साथ दोनों साइड पर सेट आता है, जबकि इन में क्या गिवन है एक साइड पे एलिमेंट है और दूसरी साइड पर सेट है, तो एलिमेंट और सेट जो है वो किसके कौन से साइन के साथ यूज़ होते हैं बिलोंग्स टू के साइन के साथ, जो कि ये है इस साइन के लेफ्ट साइड पर एलिमेंट आता है राइट साइड पर सेट का नाम आता है, तो इसका मतलब सबसेट के साथ दोनों साइड पर सेट होना चाहिए, जबकि इन तीनों सिचुएशंस में एक साइड पे एलिमेंट है और दूसरी साइड पर सेट है, तो इसलिए ये तीनों फॉल्स हैं। नाउ सी दी पार्ट फाइव, विच इज़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, तो ये क्या है ये आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, इट मीन्स दिस इज़ अ सेट, सेट एक्स इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का सेट क्या था ए बी सी और ये क्या है ये सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज़ ए, तो प्रॉपर सबसेट आपको याद हो तो क्या होता है जिसके का एक एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं होते, जैसे बी और सी इसके अंदर मौजूद नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ अ प्रॉपर सबसेट, तो ये वाला सेट एक्स का प्रॉपर सबसेट है। तो यस ये देखें इस एक्स के अंदर से सिर्फ इतना पार्ट जो है वो इसका छोटा हिस्सा सेपरेट कर लिया है ये वाला, तो इट मीन्स दिस इज़ ट्रू। डन, नाउ सी दिस सिक्स पार्ट, अब ये भी अगेन सेट है क्योंकि ब्रैकेट की फॉर्म में, अगर ये ऊपर जैसे ए लिखा है अलग लिखा जाता तो वो एलिमेंट कहलाना था, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसका मतलब ए बी एक सेट के अंदर मौजूद हैं, तो ए बी का सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, तो सेम इसी की तरह जैसे इसको सी को ख़त्म कर दो ये एक छोटा हिस्सा बन जाता है एक्स का, जबकि एक्स के अंदर क्या है तीन एलिमेंट्स ए बी और सी, और अगर इसको निकाल दो तो ये एक छोटा पार्ट आ जाता है एक्स का, तो इस इट मीन्स दिस इज़ अ प्रॉपर सबसेट, यस दिस इज़ ट्रू। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, ए बी सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, मतलब कि ये एज इट इज़ एक्स का सेट पूरे का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप यूँ देखा जा सकता है कि ये उसका हिस्सा है, यस इसको भी आप ट्रू लिखेंगे कि ये सेम है उसके जैसा सेट, और हर सेट अपना ही प्रॉपर सबसेट होता है, ये कंडीशन है जो कि आपके पेज नंबर 8 पर है। ये देखें इस नोट को मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टिक करवाया था इसे, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ,
हर सेट अपना ही सबसेट होता है. और सेम सिचुएशन इस क्वेश्चन में आ रही है कि ये पूरे का पूरा एक्स का सेट है और एक्स का सेट ये देखें उसमें क्या गिवन है, ए बी सी, और इसमें भी क्या गिवन है सेट के अंदर, ए बी और सी. तो इट मींस दिस सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ. क्लियर, दिस इज ट्रू. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. सी सेट है बिलोंग्स टू एक्स. नो दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि इसके एक साइड पर भी सेट है, दूसरी साइड पर भी सेट है. और आपको याद हो मैंने इसी क्वेश्चन के स्टार्ट पे आपको बताया है कि जो प्रॉपर सॉरी बिलोंग्स टू का साइन है उसकी राइट साइड पर सेट आता है और लेफ्ट साइड पर एलिमेंट आता है. और ये सी एलिमेंट नहीं है, ये देखें एक्स में तो लिखा वैसी, बट इधर अगर आप इस तरह लिखते बगैर ब्रैकेट्स के तो वो एलिमेंट कहलाना था, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये भी सेट बन गया. तो इट मीन्स दिस इज़ आल्सो फॉल्स. आई होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू.